नमस्कार, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। आज का वीडियो जो है वो कंटिन्यूएशन है, जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, नपुंसकता, स्तंभन दोष। आज का वीडियो है, इसके हम प्रकार बताने की कोशिश करेंगे। तो चालू करते हैं। स्तंभन दोष जो है, नपुंसकता, उसके कितने प्रकार हो सकते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए। आप बोलते हैं कि सर मेरे को एडी का प्रॉब्लम है, मेरे को नपुंसकता का प्रॉब्लम है, तो आपको जानना चाहिए कि आपका ये कौन सी प्रकार है कि नपुंसकता। ऑफ कोर्स वो डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे, फिर आपको भी पता होना चाहिए उसके कौन से प्रकार होते हैं। प्राथमिक उसके दो प्रकार होते हैं, एक तो प्राथमिक नपुंसकता जिसको प्राइमरी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहा जाता है। इसमें वे पुरुष आते हैं जो कभी भी स्तंभन प्राप्त या उसे बनाए रखने में सफल नहीं हुए हैं, एक बार भी नहीं। अपने जीवन में उनके लिंग में कभी ताठरता आई नहीं, और आ भी गई तो वो टिकी नहीं। तो उसका जो प्रकार है, कभी भी नॉट इन ए सिंगल टाइम, दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्राथमिक नपुंसकता। और दूसरा प्रकार होता है सेकेंडरी इरेक्टाइल डिसफंक्शन। फिलहाल एक बार दोहराते हैं, रिविजन कर देते हैं कि जो व्यक्ति स्तंभन प्राप्त करने में शुरू में सफल होते हैं लेकिन बाद में अक्षम हो जाते हैं, मतलब पहले शुरू में सब ठीक ठाक, पहले 2 साल, 3 साल, 5 साल सब ठीक था, बाद में उनको कुछ प्रॉब्लम आना चालू हो गया, मतलब स्तंभन होता ही नहीं, मतलब इरेक्शन होता नहीं, और होता है तो वो टिकता नहीं, तो उस स्थिति को द्वितीय नपुंसकता के नाम से जाना जाता है। सो देयर आर टू टाइप्स, वन इज प्राइमरी, कभी भी नहीं इरेक्शन हुआ, और दूसरा है हो गया था, हो रहा था, फिर अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, प्राथमिक नपुंसकता जो है प्राइमरी, वो बिल्कुल ही दुर्लभ है, 0.0001%। आपको जो है नपुंसकता वो द्वितीय हो सकती है, सेकेंडरी हो सकती है, आपको प्राथमिक नपुंसकता बिल्कुल होने की संभावना नहीं है। ये लगभग प्राथमिक नपुंसकता है, पहले तो मानसिक कारणों के द्वारा हो सकती है, नैदानिक रूप से कुछ, या कुछ शारीरिक विकार जैसे कि हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, मतलब टेस्टोस्टेरोन उनके शरीर में मतलब बहुत कम है, या कुछ पिट्यूटरी ग्लैंड का प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ आर्टेरीज बोलते हैं वेसल्स, ब्लड वेसल्स, उनके कुछ प्रॉब्लम्स है, वेनोजेनिक प्रॉब्लम्स है, वेन्स के प्रॉब्लम्स है। तो ये 4 कारण से ये जो प्राइमरी इरेक्टाइल डिसफंक्शन है हो सकता है, फिर ये बहुत स्केयर्स है। प्राथमिक ईडी जो आदमी है, पेशेंट है, कभी भी इरेक्शन प्राप्त करने या बनाए रखने में सक्षम नहीं रहा है। ठीक है, सेकेंडरी ईडी बाद में जीवन में एक ऐसे व्यक्ति द्वारा अधिकृत किया गया हो जो पहले इरेक्शन प्राप्त करने में सक्षम था और अभी नहीं है। ठीक है, द्वितीय नपुंसकता, सेकेंडरी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इट्स वेरी कॉमन, सामान्य स्थिति है। इसके 90% मामलों में ऑर्गेनिक एटियोलॉजी होती है। ठीक है, द्वितीय नपुंसकता से ग्रस्त होने वाले ज्यादातर लोग रिएक्टिव साइकोलॉजी विकसित कर लेते हैं, जो मिलकर इस समस्या को पैदा करते हैं। मतलब बाय चांस कुछ टेंशन हो गया, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया, बाद में जब करते हैं तो उनको टेंशन आता है कि मैंने 10 दिन पहले किया था, मेरे को इरेक्शन नहीं आया था, तो अभी भी टेंशन है मेरे को। तो इसको बोलते हैं रिएक्टिव साइकोलॉजी, मतलब पहले वाला जो इवेंट हो गया है, प्रसंग हो चुका है, वो तो अभी हो चुका है, वो कभी भी हो सकता है, फिर वो पहले वाला प्रसंग जो उसका टेंशन लेकर अगले वाले करते समय कुछ मन में उसका सो जाना, निगेटिविटी आ जाना, उसको बोलते हैं रिएक्टिव साइकोलॉजी। ये विशेष साइकिल जैसा बन जाता है। ठीक है, नपुंसकता जब आती है तो उसके संकेत और लक्षण क्या हो सकते हैं, कैसे जानेंगे कि आपको ये शिकायत अभी चालू हो गई है? नियमित रूप से, दिस सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभार छोड़ दो बात, ऑकेजनल छोड़ दो, सेल्डम छोड़ दो, नहीं सर हफ्ता में एवरेज 2-3 बार में कह रही, कभी भी मेरे को इरेक्शन नहीं आया, महीने में 4 बार किया था, कभी भी इरेक्शन नहीं आ रहा है, ऐसे 3 महीने हो गए, मैं बहुत परेशान हो गया, देन दैट इज कॉल्ड एज ए नियमित रूप से लिंग में उत्तेजना लाने में परेशानी हो रही है, दिक्कत आ रही है। इट इज एक्चुअली इट इज नॉर्मल, इट्स नॉट दैट यू आर गोइंग टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग, आप नहीं करते, वो अपने आप हो जाता है। यौन गतिविधियों के दौरान उत्तेजना को बनाए रखने में नियमित रूप से कठिनाई आ रही है, और साथ साथ सेक्स करने की इच्छा भी मेरी कम हो गई है। तो
नपुंसकता जब होती है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की शिकायत, तो और भी कुछ एक्चुअल प्रॉब्लम हो सकते हैं, यौन विकार हो सकते हैं, जैसे कि नंबर वन समय से पहले स्कलन हो जाना, जिसको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं। कई कबार कई पेशेंट्स में, ये सभी पेशेंट्स में ये नहीं हो सकता, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के पेशेंट्स में ये शिकायत भी हो सकती है, उसमें से भी एक हो सकती है, दो हो सकती है, या तीनों हो सकती है, या कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इट्स अ टुगेदर, स्खलन में देरी मतलब डिलेड इजेकुलेशन, और तीसरी बात पर्याप्त उत्तेजना होने के बाद भी संभोग सुख प्राप्त करने में असमर्थता, नॉट गेटिंग प्रॉपर ऑर्गेजम, उसका आनंद नहीं उसको मिलता। इसके साथ साथ शारीरिक लक्षण के साथ साथ भावनात्मक लक्षण, साइकोलॉजिकल भी कुछ दिक्कतें आ रहती है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के साथ। कुछ अन्य भावनात्मक लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे कि शर्म है, लज्जा या चिंता महसूस होना, शारीरिक संभोग में रुचि कम हो जाना, लिबिडो कम हो जाना, लिबिडो कहते हैं उसको। अगर किसी व्यक्ति को ये लक्षण नियमित रूप से हो रहे हो तो उसमें नपुंसकता से ग्रस्त मान लिया जाता है। अगर आप इन लक्षणों में कोई भी हो तो आपको अपने डॉक्टर की बात करनी चाहिए, डॉक्टर के साथ, खासकर यदि ये लक्षण दो या अधिक महीनों से चल रहे हैं तो आपको बिल्कुल डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड, दिस वाज द टाइप्स ऑफ द इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। मिलते हैं इसी तरह का एक अगला वीडियो जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में ही बना रहा हूं मैं। आप जरूर ये ऑल एपिसोड्स देखते जाइए, एपिसोड्स हैं, इट्स अ सीरीज ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। एक्स एजुकेशन के बारे में प्राध्यापक डॉक्टर देशपांडे की प्लेलिस्ट आप जरूर चेक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहे और सुखी रहे।